उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सुभाषपा और बीजेपी के बीच बढ़ रही नजदीकियों की चर्चाएं बीते लंबे वक्त से चलती आ रही हैं। इन चर्चाओं के पीछे का सबसे बड़ा कारण दोनों पार्टियों की ओर से समय समय पर मिलने वाले इशारे हैं। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के बयानों के बाद इन दोनों के बीच गठबंधन की चर्चाएं और तेज हो गई हैं, जिसे कहा जा सकता है कि अब भाजपा का सुभाषपा के साथ गठबंधन अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही दोनों के बीच गठबंधन पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में अपना दल एस और निषाद पार्टी भी रहेंगे। अगर सूत्रों की बात करें तो सुभाषपा के साथ गठबंधन के अलावा सीटों को लेकर भी बात चल रही है, जिसमें सुभाषपा को पूर्वांचल की 2 लोकसभा सीटें मिलने की उम्मीद है। एक खबर के अनुसार बीजेपी पूर्वांचल की 1 या 2 सीटें लोकसभा चुनाव में सुभाषपा को दे सकती है। खबर में कहा गया है कि सुभाषपा को घोसी लोकसभा सीट दिया जाना निश्चित है। इसके पहले आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिनों गठबंधन के सवालों पर कहा था कि राजनीति में कोई अछूता नहीं है। उन्होंने कई मौकों पर बीजेपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। इसके अलावा भूपेन्द्र चौधरी ने भी कहा था, बीजेपी बहुत बड़ा समुद्र है, जो हमारे विचारों से सहमत है उसे हम अपने साथ रखेंगे। ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने साथी हैं। इसके बाद अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे के बाद गठबंधन का ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।